मुबारक हो <laughs> दे दो फिर अच्छी अच्छी खबरें सारी एक ही दफा कोई अच्छी खबर नहीं है ठीक है अच्छी खबर सिर्फ ये है कि रातें लंबी होने लगी हैं ठीक है हमारा जो तो कल वो लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर था ठीक है वो चले जा रहा था चले जा रहा था लेकिन लकीली इट वाज गुड वेदर तो बिल्कुल फीलर ही नहीं आया वरना जून में जब लंबा दिन होता था वह तो लक पता जाता है बहुत खूबसूरत मौसम था मैं बाहर थी फंसी हुई थी बारिश में बड़ा मजा आया लेकिन अब जो है रातें छोटी होने वाली हैं नहीं रातें लंबी होने वाली है दिन छोटे होने वाले हैं ठीक है और इसी के साथ ना एकदम मुझे रोजे याद आने लगे ऐसा भी हमने देखा अक्सर ऐसा भी हमने देखा अक्सर के रात कटे और शुभ होना ए, हमारे बैठे बैठे कैसे कैसे रोग लगाए हमारे तुमने किसी का नाम लिया तुमने किसी का नाम लिया और आंखों में अपनी आंसू आए दिल आई लव दिस सॉन्ग सर इसका एक रिमिक्स भी है वो मैं आपको भेजूंगी साउंड ग्राउंड पर पड़ा बहुत खूबसूरत बहुत मजा एनिवे इंट्रो वेलकम बैक चले अब आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है आपने तुमने कुछ बताना कोई फीडबैक अरे फीडबैक बेसिकली फीडबैक नहीं ये बताना है कि हम आपको सैटरडे का एक्स्ट्रा शो देंगे और उसके बदले में मंडे और ट्यूसडे छुट्टी होगी जाहिर है ट्यूसडे एक एक्स्ट्रा छुट्टी है लेकिन वो हम फिर अगले सैटरडे आपको पूरा कर देंगे क्योंकि मुझे जाना है पहले वो आईबीए के उस पे वो जो भी फेस्टिवल व्हाटएवर हो रहा है और उसके बाद कोइटा लिट फेस्ट तो सर आपके अभी ट्वीट भी आए थे लोगों ने आपको कहा था तो बेसिकली अगर तुम संडे भी मिला लो तुम्हारी मंडे ट्यूसडे छुट्टी है वैसे सर आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं आपने कैमरे से पहले तो मुझे नहीं कहा कि सैटरडे को कोई शो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं लेकिन अब देखो ना संडे मंडे ट्यूसडे तुम्हारी तीन छुट्टियां आ गई भी तुम चाहो तो चूम सकती हो <laughs> <तुँ। laughs> नहीं मैनेजी की छुट्टी हो गई तुम्हारी टिकट इतनी जल्दी की नहीं हो रही है तुमने रात के दस बजे पहुंचना है मैं नहीं कर रही हूँ उतने बजे तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे ना अच्छा की हो जाए आप मुझे ये बताएं कि दस बजे हम शूट करें और वीडियो रात को बारह एक बजे लगे आप लोग देखेंगे मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में वरना तभी करेंगे वरना हम नहीं करेंगे ठीक है ये पोल आपने अपने ना कम्युनिटी के अंदर भी डाल दो खैर ये जा रहा है मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो रही है सुपर एक्साइटेड बड़ी फिट टाइमिंग है इसके जाने की खैर जी अच्छे से सबसे पहले जो है हम आपको ये बताते हैं कि डार साहब जो है ना ही स्लोली

जी शुरू वो नहीं असल में एक तो ये कि अभी तक तो जाहिर है मिफ्ता भी कर रहे है, जो भी कर रहे हैं जी जी। लेकिन ख्वाहिश है सबूत कोई नहीं है ये मेरा टेवा ही है हाँ। लेकिन कई सहाफियों से ना उन्होंने ये करवाई है खबरें इन करवाई है कि मैं आ रहा हूँ और मैं इसे करके संभाल लूंगा अच्छा उस असना में हुआ ये कि एक दो साफियों ने

खैर हाँ। लेकिन आ, आ रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल या आएंगे तो, तो, तो नहीं नहीं मे बी आई थिंक ही इज गोना वो कंसल्टेशन वाली जॉब नहीं होती उनके घर के 14 एसी तो चोरी <laughs> हो गए ऑन द फायदा ये भी हमने अब खबर पाई थी जिससे मुझे ख्याल आया कि आज फिर सुबह सुबह ही मतलब जब हम उठे ही, तो घर में एक ही फेज़ आ रहा था यार यार क्या को, ये क्या ये एरिया एरिया है यार? हाँ, अच्छा उसके बाद बिल्कुल वो ना पूरे मुल्क का एरिया तो खास तौर <laughs> अच्छा, तो रहे <laughs> फिर कि, मुझे क्योंकि हमेशा से होता है कि वन वन एट जब मुझे चाहिए होता है तब तो वो कॉले नहीं लेते खैर मैंने कॉल कर दी और उन्होंने उठा लिया और उन्होंने कंप्लेंट लिख ली और फौरन ही बंदा भी आ गया है? हाँ हाँ उस बंदे ने दस मिनट लगा के ठीक भी कर दिया ये कौन सी दुनिया है? जो वाइट प्रॉब्लम था ना मुझे तो समझ नहीं है इन चीजों की बिल्कुल भी कि उसने क्या किया लेकिन मैं क्योंकि साथ खड़ा हुआ था तो उसने एक तार ली और तार के साथ उसने पत्थर बांधा और वो ऊपर लेके गया डंडे से और उसने एक डी के साथ वो बेसिकली कांटी

तो, ही जानी है। हाँ, मतलब उस तो जिस, कि जिस किस्म के हमारे हालात हो चुके है ये और फिर कोई बात है पीटीआई मुझे तो बहुत पसंद है इमरान खान साहब को मैं मोहब्बत करता हूँ जी तो और फिर भी बात है आपको पीटीआई अच्छे लगे बुरी लगे जैसे भी लगे बहरहाल तीन जो मकबूल तरीन पार्टियां पाकिस्तान की उनमें से वो एक है जी। तो इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि हमें ना किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है ये जो है ना कि हम गुलामी नहीं बर्दाश्त करेंगे इसको है? सबसे पहले आप पैरों पे खड़े हो सकते हैं या तो आप जो है एग्रीकल्चर इतना बेहतर कर आप एक्सपोर्ट करने चीज किसी इंडस्ट्री को भी बहुत बेहतर कर ले हाँ अच्छा अब एग्रीकल्चर भी आपने वो ठीक करना है तो उसके लिए भी वो पेट्रोल चाहिए ट्रैक्टर चलाने के लिए और कोई वो जो है ना आपको मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स चाहिए लटरम पटरम अच्छा दूसरा ये है कि आप वो सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे हो जाएं आप यहाँ पे और पता नहीं क्या कुछ बनाना शुरू कर दें उसके लिए भी बिजली चाहिए वो बिजली के बगैर तो तो अभी मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक गुलामी कर लें एक दफा जब हम अपने पैरों पर पे खड़े हो जाएंगे ना फिर देखा फिर आपका भाई बाइडन को झुकते मार मार <laughs> खड़ा कर <खावादार> देगा <laughs> इमरान खान ने तो ऑलरेडी मारनी शुरू की हुई थी अपने ट्विटर अकाउंट से बट आ... हाँ अभी फिलहाल ये है स्ट्रेटेजिक गुलामी हाँ हम किस तरह आपको समझाएं लाइक अब गालियाँ फिर वही पड़ती हैं कि कमेंट्स में आगे, आगे आप लोग कहते हैं कि जी आप आ, नून नूंदी को डिफेंड कर रहे हैं आप पटवा रही हैं आपको तो बहुत पैसे मिलते होंगे ऐसी बात नहीं है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन आप जाके सिर्फ वो वाले जर्नलिस्ट जो कि हार्ड कोर्ट पी वाले हैं ना वो भी उसके अंदर जो सेंसिबल है ना वो इस टाइम पर यही कह रहे हैं कि ठीक है डज डीती पी है लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा बिकॉज दैट्स ओनली वे आउट जो भी है बस... पैसे आ रहे हैं ये है बहुत जरूरी है खैर डार साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मियाँ साहब के बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि जो लॉ मिनिस्टर है इस टाइम के उन्होंने ये कहा है कि मियाँ साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर वो ट्रांजिट बेल उनको नहीं मिलती है तो आई डोंट थिंक एनी वन इज कमिंग बैक लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि डार साहब अगर ओवर हेड में वो बैठे हुए ना कि जी ओवर सींग द इकोनॉमी फिर भी मैं आपको बता दूं हमारे साथ बड़ी बुरी होगी सो प्लीज ये हमारी रिक्वेस्ट है मिफ्ता साहब आपको करने थे जो वो कर रहे हैं अच्छा कल ना एकदम से एक लड़की ने ट्वीट की थी उसने अबाउट पीटीए टैक्स उसने ये कहा है कि जी बहुत से लोगों के फोन चलने ही शुरू हो गए हैं ठीक है और वो टैक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट वहां पे खत्म हो गई फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हमारे नहीं हुए हैं आप हमें बताइएगा कि हुए हैं कि नहीं अच्छा इसमें ना एक और डिस्कशन ये स्टार्ट हो गई थी उन्होंने कहा कि जी ये तो अमीर लोग इतने महंगे फोन लेते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ था बहुत अच्छी बातों से निकलवाना चाहिए था आप लोगों ने एक और जो है ना फेवर कर दिया है नहीं देखें ये एज अ पॉलिसी तो मैंने किसी अखबार में या ट्विटर पे नहीं पढ़ा कि टैक्स खत्म कर या तो हुई है ये कोई गलती और जो फोन बंद वो चालू हो गए हाँ। या फिर ये था कि कोई एक लॉट किसी ने मंगवाई हुई थी और उसने कहा कि ए, एक वरी खोल दियो सारे मेरे सारे क्लियर हो बाद फिर बंद कर जाए हाँ। क्योंकि एज पॉलिसी तो पीटीए टैक्स वही पे नहीं नहीं है। हाँ। हाँ। अच्छा तीसरी चीज ये कि वो मैं तो ये भी सोचा था जब ये कल मैंने सुना ना तो मैंने कहा कि एक अपील डाल दूंगा अपने चैनल पे कोई बाहर से आ रहा है तो मेरे लिए मोबाइल लेता है इसी हल्ले में शायद मेरा भी क्लियर हो जाए तो लेकिन फिर वही बात है वो कल भी अगर फोन आना है और अगर आज दोबारा वो लग जाए मतलब ना ऑन हो या फिर ये जो आज ऑन हो भी गए हैं परसों फिर बंद हो जाए हाँ। तो फिर कहा से हम देते हैं? फिर पैसे ये बिल्कुल उसी तरह है, मैं नाम नहीं लूंगा एक वो खातून का मुझे मैसेज आया हुआ था फेसबुक पे उन्होंने कहा कि जी वो शायद आपको पता हो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर मैं सऊदी अरब से आ रही हूँ तो मैं अगर अपनी सेकंड हैंड साइकिल जो मतलब सेकंड हैंड से बोला था अपने इस्तेमाल की जो साइकिल है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो लगेज में तो वो उस पर कोई ड्यूटी वगैरह तो नहीं है तो मैंने कहा कि एक तो मुझे पता नहीं दूसरा ये है कि आपको इसका कोई आंसर मैं तो क्या, कोई भी नहीं गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती उस, उस भी नहीं पता हाँ उसकी वजह यह पॉलिसी पता नहीं है कि नहीं है दूसरा यह तो वो जो भी पॉलिसी है पता नहीं उस दिन जो कस्टम ऑफिसर खड़ा है उसको पता है यह कहा कि, really कि हमारी तो चीजें आराम से आगे किसी ने चेक ही नहीं किया तो वो

ठीक है हाँ हमें मुझे मुझे लगता है कि हमें ना ये जितने हैं ना सरकारी ये अफसर कौन को चाहिए मिल के ना फैसले शादियां नहीं होंगी और इनको गर्लफ्रेंड्स हम प्रोवाइड करेंगे ताकि ना इनके मूड ठीक रहे हाँ। वैसे इसी से आपका मूड ठीक होना है कि और कोई चीज चाहिए वो भी पूछ लें और क्या तरीका हो सकता है हाँ वो जो भी है ना आपको

आम जी। इनकी भी जो नुमाइंदे हैं वो सब मिल बैठ के फैसला ये करें कि वो ठीक है जो उनको हाँ। इनका चेकिंग होती है ना खतन की तरफ तो मैं अंदर जाके ना जब खड़ी होती हूँ ना तो वो एक तो वो पकड़ती है और फिर कहा जा रही हो वो इतना अजीब तरीके से सवाल उसमें होते हैं ना कि मुझे अपने ऊपर शक होने लग जाते पता नहीं क्या चल रहा है तो थोड़ा सा ना जरा स्माइल ही दिया करें नथिंग एल्स अच्छा नेक्स्ट जो है वो आईएमएफ के बारे में है खबर के वो हमें वन बिलियन डॉलर्स दे रहा है खबर तो आ गई ठीक है और मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि ये इंक्रीज भी कराना है दोबारा से कोई बात होनी है अभी तक अभी ना अभी भी कुछ कंफर्म नहीं हो कह रहे कि हो रही है जीडी ट्वीट चाइना ने दे बंदे ने की थी है ना उन्होंने क्या कि उसने ये अनाउंस किया आई एम एफ वन बिलियन जो डॉलर्स है वो पाकिस्तान को दे रहा है और चेरी ब्लॉसम का ट्री था और उसमें ना हार्ट बना हुआ ये इज इट अ साइन फ्रॉम चाइना के शुक्र है अल्लाह का कि सारे भी प्रोजेक्ट फंसे नहीं सर इन्होंने कोई पैसा आता पे इस टाइम पे हाँ नहीं ये तो बल, बस शुक्र है वो वही वाला सीन था कि हमारी तो इंटरनेशनल बैंक एल नहीं खोल रहे थे पेट्रोल के लिए तो शुक्र है ये बस जल्दी से अब आ जाए पैसे ताकि इधर से पैसे आएंगे तो फिर हर तरफ से पैसे आने शुरू क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये ना आखिरी डेट अब ये जो नेगोशिएशंस किया है ना वो ट्वेंटी फोर्थ जून है ठीक है तो उससे पहले पहले आप कुछ कर लो आप स्टार्ट कर लो तो खैर चाइना का जो जस्टर था ना दैट वाज रियली क्यूट वो दिल वाला जो उन्होंने बनाया था अच्छा नेक्स्ट जो खबर है वो श्रीलंका की है ऑल दो उनकी इकोनमी और डीप डाइव इसमें तो जा रही है लेकिन उसके अंदर अच्छी खबर ये है कि श्रीलंका वॉन दी ओ डी आई सीरीज होम पे आफ्टर थर्टी ईयर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद उनका रिकॉर्ड एक ये भी बना है कि उन्होंने एक मैच के अंदर फोर्टी ओवर्स जो है वो स्पिन के कराए हैं जो कि श्रीलंका का ही पहले से रिकॉर्ड था कि वो आठ दफा पहले भी कर चुके हैं देयर इज नो अदर टीम हु हैज एक्चुअली डन दिस ग्रेट गोइंग इतने बुरे हालात के अंदर जो है आप फिर भी कुछ उम्मीद दे रहे हैं लोगों को पता नहीं श्रीलंका में सीरीज पूरी हुई कैसे मैं तो आज तक इतनी मेरी उम्र हो गई है मैंने श्रीलंका में कोई एक मैच नहीं देखा जो पूरा हुआ हो हां बारिश हुई जाती है ठीक है लेकिन अदवा करें श्रीलंका के लिए मेरा बहुत शौक था वहाँ पे जाने का वहाँ तो बेड़ा ही गर्क हो गया सीरियसली कोई हाल ही नहीं रह गया अच्छा जी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट अच्छा नेक्स्ट जो खबर है ना वो ये है कि सो खूबसूरत लोगों की लिस्ट बनी है और उसके अंदर पाकिस्तानियों के नाम आए हैं उसके अंदर एक नाम है सज्जल का फवाद खान ऑफकोर्स इसमें तो आना था इमरान अब्बास आयजा खान एंड नीलम I'm very disappointed. नाम इसके नीलम का आ आ गया गया मेरा है <laughs> <laughs> लेकिन के अंदर करें, प्रीज्ट करें। प्रीज्ट शेव करके बैठा होता क्या हो नहा है ये रोज प्लीज कंसिडर कल जो, जो दिन था ना उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड पैसा आया है वो आया है पांच करोड़ सत्तर लाख डॉलर वो हाँ इसका मतलब है कि हर तरह के ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना मतलब हम तो नहीं डाल सकते हम तो डालेंगे तो वो पूछेगी सरकार के <laughs> <laughs> तो, 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 इस <laughs> तो इसका मतलब है कि वो जो एक मखसूस तब, मतलब ग्रो जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने ये थ्रेट किया था कि क्योंकि इमरान खान को अगर अब जब तक वापस नहीं लाएंगे हम पैसे

अच्छा <laughs> यार इससे मुझे ये याद आया कि बैंक जो है ना ऑटोमेटिकली आपका रास्ता अकाउंट बनाने लगते हैं मुझे Sorry. टेक्स्ट आया थी कि मेरा तरह निकल गया मैगम मैंने कब रजिस्टर कराया मैं कहा ये क्या सीन है

हर तरह का अकाउंट जो है ना वो बना देना कि हैं कितने तो पैसे आएंगे क्योंकि तो ना कोई ये ना कह सके ओ हो मेरा तो फलानी जगह पे अकाउंट नहीं था ही तो नहीं करना हम हर जगह अकाउंट बनाएंगे वी विल मेक श्योर ठीक है एक आ, 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 इंडिया से एक और बंदे का मैसेज आया कि

UAE और सऊदीया से पैसे आने हैं अगला शो चोगे भी होगा। <laughs> वो चोर पहनेंगे? नहीं वो तो भी नहीं है मेरे पास, लेकिन चोगा मैंने मिल जाएगा। मैं, मैं वो आपने आप हर बात से ना यार या दो और लाख सीख के बैठ जाना वही करने है। मैं सब कुछ मैं, तो वैसे भी वो तो उससे बचाने का बड़ा अच्छा तरीका है ठीक है तो खैर अब अब इन्वेस्ट कहाँ करेंगे क्या होगा ये तो अब वक्त ही बताएगा